वो डायलॉग याद है आपको? नहीं, वो याद, वो एक नाई का रोल था उसमें, हाँ। तो पठान बना हुआ था मैं, हाँ। तो वो पठान का कोई था, डायलॉग एग्जैक्ट नहीं याद, एक्शन तो याद होगा, एक्शन में बता सकता हूँ, हाँ, आपको हाँ, वो यार इसके बाल वाल काटने, इसके तो बाल ही नहीं, हम क्या काटेगा, ये काम करते इसकी मुंडी मरोड़ खेला हुआ इधर, इसमें हम अपना उसरा तेज करता है। इस तरह का कोई पठान का था, वो पठान का करेक्टर मेरे को वो मिला वहां पे, नाई वाई था वो, उसने वो करना था, वाह। तो वो भजन वो उसमें सिलेक्ट हो गया, वो ऑल कॉलेजेस फेस्टिवल हुआ, सारे कनेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज और सारे कॉलेज, हमारा ड्रामा फर्स्ट आ गया भजन, वाह। उत्थू भाजी मेरा सफर शुरू होया, अच्छा। वहां से सूफी साहब के साथ ही हम पैरेलल थिएटर में आ गए, एक हम 14 अगस्त का ड्रामा कर रहे थे, वो क्या था, रोशनी और हनेरा, तो मेरे वालिद साहब जो थे वो खुश नहीं थे कि मैं इस फील्ड में जाऊं, तो मुझे कहने लगे कोई पढ़ाई करो, उस तरफ ध्यान दो, मैं क्या, अच्छा बाबा जाएं आखिरी ड्रामा, इसके बाद मैं छोड़ दूंगा, अच्छा। मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि आप मेरा ये ड्रामा देखने चलेंगे गोएथे। अरे अरे, कह लगे ठीक है, लो जी पूरी फैमिली आई, ड्रामा देखा, ड्रामे के बाद सूफी साहब की और मेरे वालिद साहब की मुलाकात हुई पहली दफा, वो जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि सूफी साहब ने कहा, उनका एक खास स्टाइल था बोलने का, वालिद साहब ये बड़ा इंटेलिजेंट मुंडा, तो तुसी इहनू कम करन तो ना रोकना, इंशाल्लाह तुहाडा नाम रोशन करेगा, ये इस मुल्क का नाम रोशन करेगा, ये बहुत बड़ा स्टार बनेगा। वो 3-4 महीने के बाद उनकी डेथ हो गई सूफी साहब, तो एक दिन मेरे वालिद साहब बैठे हुए थे तो मुझे बुलाया उन्होंने, कहने लगे बेटा तेरे उस्ताद ने कहा था कि इसको काम करने से ना रोकना, तो उन्होंने मनु थापी दी थी बाबू जी कि जा बेटा, आज तो मैं तेनों नहीं रोकांगा, तू बेशक कर ले इस फील्ड, लेकिन मैं शिकायत कोई ना आवे। मैं कह जी इंशाल्लाह, जख्मी कर अच्छा मेरी जान जी मेरे आइडियल है, बिलीव करें सर, अच्छा यकीन करें, बहुत बड़ा फैन हूँ। जब आप जंजालपुरा में रीमा बने थे, मैं फैसलाबाद च मदिया शाह बने, सर एक बात करूं, सर आप दो बातें करें प्लीज, और खुल के करें। महमूद मेरे अखे, महमूद मेरे महमूद मेरे, तू है तो दुनिया मोमोसी है, जो तू नहीं तो नबील भी नहीं। माशाल्लाह, बड़े लोग हैं सर, अल्लाह आपको और हदायत दे। मत तलाश करें, हर किसी के ऐब मत तलाश करें, हर इंसान में कोई ना कोई खामी होती है। हम ऐसा क्यों करते हैं कि किसी की सारी अच्छाइयों को नजरअंदाज करके एक ऐब लेके बैठ जाते हैं? अगर यूं ही ऐब तलाश करते रहे तो भरी दुनिया में हम तन्हा ही रह जाएंगे। इस पे मैंने एक शेर लिखा है, तर शेर डाल, इसके ऊपर एक शेर लिखा है, अच्छा ऐदे ऊपर लिखा है, मैं समझा उस शेर पे एक शेर लिखा है आप। बड़ा अच्छा कर रहा है तू, वैसे वो साडे उठे के जलेबियां तलन वाला है, वो जो जलेबियां पांदा है ना, और जदों उठन लगदा है अगे मुंह कर दिंदा।
की करन लगा? मेरी ड्यूटी का टाइम हो गया। चलो शुक्र है भाजी, असी फरौन भी वेख लिया, फरौन दी आया भी वेख लिया। तुसीं कोई आया गया भी देखिया करो। मैं बात ये कर रहा था, अगर हम यूं ही ऐप तलाश करते रहे तो एक दिन हम भरी दुनिया में तन्हा रह जाएंगे। रोइना रोइना मेरा जिस्म मेरी मर औरों के गिन रहा है वो, उसको लगता है पारसा है वो, पत्थरों के शहर में जिंदा है, लोग कहते हैं आईना है वो, एक बार जो खो जाए मिलता नहीं दोबारा, तेरे ला कदा हो लारा रंग कर। मैं ऐप की बात कर रहा हूँ जी, प्लीज। मेरे ऐपों को गिनवाया तो सबने, किसी ने मेरी गम ख्वारी नहीं की, अगरचे खूबियां थी लाख मुझ में, किसी ने भी तरफदारी नहीं की। आखिर ये किस तरफ चल पड़ा है जमाना, ये मेरा दिल प्यार का जी, आपने इमरान भाई के साथ भी बहुत काम किया है। मैंने इनके साथ बहुत काम, इमरान भाई ने आपके साथ काम किया है। कोई दिलचस्प वाकया कोई अगर आपको याद हो? भाईजान इजाजत हो तो सुना दो। इजाजत मांगना हमारा काम है, हमें वो पीछे जाना पड़ेगा, माजी का वाकया। सर माजी को मैं अपने तकिए के साथ लिटाता हूँ, पक्की बात है, भूल तो नहीं गए ना। माजी को ना भूलता हूँ, मैं माजी की इज्जत करने वालों में। लो जी भाई, बड़ा मजेदार वाकया। वाकया ये है सर कि एक दिलावर मलिक साहब हमारे बड़े अच्छे डायरेक्टर है, अल्लाह उनको सेहत दुरुस्ती दे, वही लाए हैं मुझे, वही लाए हैं मुझे। वो एक सीरियल कर रहे थे और उसकी शूटिंग हो रही थी थाईलैंड में, वहाँ शूटिंग शुरू हो गई हमारी। एक सीन आया, अब वो सीन था कि एक सिख लड़का है कोई, तो उसके साथ मेरा वो सीन था। वो मैं क्या कि सीन करेगा यार, सिख का सीन है। तो मुझे क्या लगा कि नहीं नहीं बड़ा चाहिए, तू फिक्र ना कर, तेरे के मैं अच्छी चीज़ ही पाऊँगा, कोई मुझे चीज़ नहीं सुटा। ले जी भाजा ने सरकार ने दाढ़ी लगवाई सर, वो सिख बन के आए, वो रिहर्सल की इसके साथ मैंने, तो लो जी उसके बाद टेक हुई, वो टेक हुई तो भाजा ने क्या आला इसने वो परफॉर्म किया, बहुत जबरदस्त। पानी सिंह का मेरा रोल था और आज भी मुझे याद है क्यों करता हूं दसी के, हो कदे साथ मांग दिए कन्ना वाले चुम के, ते कदे मंगे मथे वाला टिका नी, मैं कहा जानी मैडम की हाल है, मानी सिंह प्राइवेट लिमिटेड। माशाल्लाह इतना तवील तरीन करियर, उसमें बहुत से लोग आपसे मिले और बहुत बड़ा आपने बहुत सा काम किया, उसमें कोई ऐसा शख्स जिसको आप देखा और आप कहेंगे यार यानी कि शॉर्ट लफ्ज़ दिल हार बैठे हो? यार मुझे ना दिल हारने का मौका ही नहीं मिला, वो एडिया सोनिया सोनिया कुड़ियां आप मेरे ते फ्लिप पे गया। ये जो आप बुलबुले में आपका इतना हिट एक आइटम है जी सर, जो आप कहते हैं कि ये जो किया है ये वो था, ये राइटर का लिखा हुआ था, ये आपका अपना जाती था? तो फिर ये भी आपको मजे की बात बताऊं, आपको पता है ये अलबेला साहब का है जी, ये अलबेला, ये हम क्रेडिट उनको दे रहे हैं, क्या बात। ये वो थिएटर में किया करते थे, शायद आपको याद हो, ऐसे ही हम बैठे थे कि यार कोई कंटिन्यूटी महमूद साहब की बनाई है, तो नबील ने ये पॉइंट आउट किया कि यार अलबेला साहब ही को बोलते होंगे सन, ये जो पिलानी है ये चाय है। सर एक शेर बड़ा मजेदार है गाजी, दो पत्थर अनारा दे हैं जी, दो पत्थर अनारा दे, तीन विच होर पा रही है पांच पत्थर अनारा। महमूद साहब, एक तरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है?
आज तो परेशान है, दो चार बारी पसीना साफ कर चुकी है। क्यों घबराई है कि आज मेरे सामना किदा करना पैना है? तोड़ा करना पै रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, पाकिस्तानी टीवी, फिल्म और थिएटर के एक बहुत ही कारामद और बड़े सतून आज मज़ाकरात के सेट पर मौजूद हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उनसे ये ना कहें कि द स्पॉट लाइट एंड स्टेज इज ऑल योर्स महमूद साहब।